हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जय श्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ब्लाउज के लिए बहुत ही सुंदर लटकन बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैंने देखिए इस प्रकार से चौकोर में पीसेस कट करके रखे हुए, अस्तर के हैं और मेन फैब्रिक के हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हमने इसकी लंबाई चौड़ाई 3.5 इंच रखी है इस प्रकार से। ये हमारा नेट वाला फैब्रिक है। इसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पर बड़े पीसेस भी लिए हुए हैं इस प्रकार से। इसकी लंबाई चौड़ाई 4.5 इंच है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले मेन फैब्रिक और अस्तर वाले पार्ट को यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं एक पीस अस्तर का और एक नेट का लूँगी और इस प्रकार से देखिए मैं अस्तर वाले पार्ट के ऊपर नेट वाला फैब्रिक रखूँगी और दोनों को इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से सभी पीसेस को हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए एक एक करके हम सभी नेट फैब्रिक और अस्तर वाले पार्ट को इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए इस प्रकार से मैंने सभी पीसेस रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक लटकन बना के दिखाऊंगी, उसी प्रकार से दूसरा लटकन भी बनाना है, ठीक है। इस प्रकार से दो पीसेस मैंने यहाँ पर लिए हैं, ये देखिए, और इसको देखिए सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखते हुए यहाँ पर देखिए किनारे से एक सिलाई लगा देंगे। और देखिए इस कॉर्नर पे इस तरह से हम एक डोरी रखेंगे और देखिए डोरी के ऊपर सुई को रोक देना है और इस तरफ पलटेंगे और देखिए इस तरफ सिलाई लगाते हुए आएंगे इस प्रकार से। और देखिए एक साइड हमें यहाँ पर खुली रखनी है, तो यहाँ पर हम पक्का कर लेंगे इस प्रकार से। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसको सीधा किया, तो मैं यहाँ पे कैंची की मदद से इसके कोनी को सीधा कर लूँगी इस प्रकार से। अब इसके अंदर देखिए हम छोटे छोटे ये कतरन जो है इसको भर देंगे। तो इस प्रकार से छोटी छोटी कतरन कर लेना है, वेस्टेज जो होता है कपड़ा उससे। और इस प्रकार से इसमें हमने भर दिया और इसको यहाँ पर हम इस प्रकार से पैक कर देंगे। देखिए थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ दबा के साइड से हम इसको पैक कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, अभी हमारा पैक हो चुका है। तो इस प्रकार से हमारा एक पंपम रेडी हो गया है। अब दूसरा वाला भी पंपम रेडी कर लेंगे। दोनों पंपम हमारे रेडी हो गए हैं। अब देखिए बड़ा वाला पीस लेंगे और इसको देखिए इस प्रकार से ट्राइंगल शेप में फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक स्टिच लगा देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और धागा भी कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा धागा होगा तो। और इसको देखिए इस प्रकार से पलटेंगे सीधी साइड। अब कैंची की मदद से इसका कोना जो है इसको सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसका कोना सीधा कर लिया। अब इसी प्रकार से हमें तीन पीसेस और रेडी कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा ये रेडी हो गया है, इसी प्रकार और तीन रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चारों पीसेस हमारे रेडी हो गए हैं। अब देखिए सुई धागा लेंगे और देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हम एक स्टिच लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने सिल्वर कलर के ये मोती लिए हुए हैं और इन मोतियों को हम इस प्रकार से लगा देंगे और यहाँ पे पैक कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए व्हाइट कलर का मोती लेंगे और इसको भी यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर मुझे सिल्वर कलर के दो मोती और एक व्हाइट मोती इस प्रकार से करके इसको एक के बाद एक लगा देना है इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने फैब्रिक के अनुसार मोती के कलर लिए हुए हैं, आप अपने फैब्रिक के अनुसार मोती को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो सिल्वर कलर के मोती और एक व्हाइट मोती रखा है बीच में। इसी प्रकार से हमें एक एक करके सभी मोतियों को साइड से अटैच कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने जिस प्रकार से मोती अटैच की है इसी प्रकार से आपको चारों तरफ से मोती अटैच कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सभी तरफ से हमारे मोती लग चुके हैं। अब इसके बाद देखिए हम छोटे छोटे लटकन्स लेंगे और इसके बीच में से देखिए अंदर से सुई को निकालेंगे बाहर की तरफ। अब इसमें हम सिल्वर कलर के छोटे छोटे मोती ऐड करेंगे। तो देखिए मैंने छोटे साइज के मोती लिए हैं इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर अब इसको हम अटैच कर लेंगे नीचे की तरफ। देखिए छोटा सा लटकन हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। इसी प्रकार से हमें एक और लटकन तैयार कर लेना है। तो अभी इसको हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। तो एक लटकन हमारा लग चुका है, इसी प्रकार से दूसरा लटकन तैयार कर लेना है। तो
देखिए दूसरा लटकन भी हमारा रेडी हो गया, इसको भी हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। यहाँ पर लॉक कर लेंगे धागे को इस प्रकार से। अब इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमारा कितना सुंदर यहाँ पे लटकन बना हुआ है। अब देखिए इस लटकन को और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सुई को इस तरह से दूसरी तरफ निकालेंगे और इस तरह से देखिए दो बड़े बड़े मोती लेंगे सफ़ेद वाले और इसको इस तरह से यहाँ पर अटैच करेंगे। तब दूसरी तरफ सुई निकालेंगे और दूसरी तरफ भी हम दो मोती लेंगे और यहाँ पर अटैच कर लेंगे। इसी प्रकार से देखिए दोनों तरफ हमें चार चार मोती अटैच कर लेना है इस प्रकार से। तो देखिए दोनों तरफ हमारे यहाँ पे मोती अटैच हो गए हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर हम इसको धागे को लॉक कर लेंगे। तो देखिए कितना सुंदर हमारा लटकन यहाँ पे दिख रहा है। तो इसी प्रकार से हमारा दूसरा लटकन भी रेडी कर लेना है। दोनों लटकन मैंने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सिंपल प्लेन कपड़े से कितना खूबसूरत लटकन रेडी किया है। तो देखिए इसी प्रकार से हम कपड़े से कितना सुंदर लटकन बना सकते हैं। इस वीडियो को देख के आप भी एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स लटकन का ये डिजाइन आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक you.